डायफ्राग्मेटिक हर्निया, और उसका नाम ही है हर्निया। हर्निया आप जानते हो किसी एक पार्ट का ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन में ट्रांसमिशन होना, उसे बोलते प्रोडक्शन होना, उसे बोलते हैं हर्निया। और डायफ्राग्मेटिक मतलब डायफ्राम से, तो डायफ्राग्मेटिक हर्निया डायफ्राम के अंदर से होते हुए ऑर्गन थोड़ी सी कैविटी में प्रोड्यूस कर जाता है, उसे बोलते हैं डायफ्राग्मेटिक हर्निया। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन। Stomach and
ठीक है, मोचड़ाधर के अंदर आएगा, एक अकर इन लेफ्ट साइड ऑफ थोरेक्स, एक इंक्लूड स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, नंबर दो पे आता है हमारा मोर्गा हर्निया, हाइपोसिक्लेमिया भी जा सकता है बेबी। ठीक है,
ठीक है, जो स्टमक का कंटेंट है, जो फूड है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता है, ठीक है, चोकिंग हो सकती है, तो ऐसी सारी कंडीशन हमें उसको देखने को मिलेगी सेंस सिम्टम के अंदर। ये सब सेंस सिम्टम होंगे। उसके अलावा हम बात करें सेंस सिम्टम के अलावा, अब इसकी बात करते हैं हमें मैनेजमेंट की, क्या हम उसका डायग्नोसिस की, पहले डायग्नोसिस की लेते हैं। डायग्नोसिस में क्या क्या होगा, तो डायग्नोसिस में हम सबसे पहले जानते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले चेक कर रहे हैं कहीं पर भी हाइपोथर्मिया में चला गया, ठीक है, उसे मेंटेन कर रहे हैं,
और भी साइन सिम्टम देख के उसको डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देंगे, तो फ्री ऑपरेटिव में भी सब सब चेक करना है। अब नेक्स्ट है इंट्राऑपरेटिव। क्या होता है कि जिस एरिया में अफेक्टेड साइड है, जहाँ पर ऑपरेटिव कर दिया गया होगा, उसको सही करने के लिए उसकी सर्जरी के थ्रू उसको डिप्रेस करते हैं नीचे की तरफ, उसको ऑर्गन को नीचे की तरफ करते हैं, ताकि वो एरिया है सही हो सके। अदरवाइज क्या होता है कि जिस एरिया में वो जाएगा, मतलब प्रोट्रूड कर जाएगा, तो क्या लंग्स के अंदर डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ठीक है, डिप्रेस, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी उसको, ठीक है, और जो एरिया वहाँ गया है वो वापस साइनोसिस होने के साथ रहेंगे, ठीक है, गैंग्रीन, मतलब कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने लगेगा ऑर्गन, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। तो इंट्राऑपरेटिव में हम उसको मेंटेन सर्जरी के थ्रू सर्जिकल रिमूवल ऑफ हर्निया, ठीक है, ओटी के अंदर उसका जो हर्निया उसको सही करेंगे। नेक्स्ट है वो पोस्ट ऑपरेटिव। नर्सिंग का काम मेनली इंट्रा ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव ज़्यादा होता है। इंट्रा ऑपरेटिव जो ओटी के अंदर होता है, जो ओटी नर्स है वो देखेगी, डॉक्टर से वो सब वहाँ पर देखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव हम क्या चेक क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव अगर पेशेंट हमारे पास आ गया है तो उसका वाइटल साइंस कंटिन्यू चेक करना है। अफेक्टेड साइड जो भी है, अफेक्टेड साइड उसको भी देख रहे हैं, सर्जिकल जो प्रोसीजर हुआ है उसे कंटिन्यू चेक कर रहे हैं। उसके अलावा ओटू सप्लाई, लेकिन ओटू सप्लाई में ऑक्सीजन की सप्लाई है, उधर है आई वी ड्यू, आईवी फ्लूड देना है, क्योंकि उसको ना ओरली दे नहीं सकते, क्योंकि उसका ऑपरेशन से पहले भी नहीं दे सकते और ऑपरेशन के बाद भी नहीं देंगे उसको। ऑपरेशन से पहले इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट की जो हर्निया हो चुका है वो अफेक्ट हो चुका है, तो वहाँ पर अगर जाएगा तो भी चांस है वापस रीग्रेजुएट होकर रेस्पिरेटरी ट्रेन में आ जाए, ठीक है, वहाँ पर भी इसको आप आईवी फ्लूड से मेंटेन करके रखेंगे उसकी बॉडी को, ठीक है। वाइटल साइड अफेक्टेड साइड को हम देखते करते चेक कर रहे हैं, ओटू सप्लाई है, आईवी फ्लूड है। इसके अलावा हम पेशेंट क्या कर सकते हैं, जो हर्निया वाला पेशेंट है उसको हम गाइड करेंगे, एजुकेशन देंगे, जब वो यहाँ से डिस्चार्ज होगा तब वो और मेडिकेशन जो गाइड की गई है मेडिसिन लेकर जाएंगे वो सब उसको देंगे ताकि इन्फेक्शन वगैरह को हम कंट्रोल कर सकेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव के बाद है होम केयर। होम केयर में क्या क्या होता है, होम केयर में यही है जो हमने पोस्ट ऑपरेटिव में देखा है कि उसका वाइटल साइन घर पे वो किस प्रकार चेक करेगा, वाइटल साइन वो घर पे रेगुलर टाइम पे चेक करें, ठीक है, उसका इंटेक आउटपुट मेंटेनेंस है जितना भी वो भी उसको नोट करें, ठीक है। अदर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो तुरंत जो डॉक्टर्स हैं उसके कॉन्टैक्ट में आए, उनको इन्फॉर्म करें, ठीक है। रेगुलर टाइम पे उसका अपने जो बॉडी है उसकी जो देख रहे हैं सर्जिकल साइट है उसे मेंटेन करके रखना है, ड्रेसिंग वगैरह है वो सब घर पे करनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें होम केयर के अंदर आ जाएगी। आज के लिए इतना ही।